हम सभी की ख्वाहिश होती है जो बचपन का दोस्त है वो साथ में पढ़े, साथ में नौकरियां करें। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ऐसा ही कुछ नजर आया, जहां दो सहेलियां बचपन से ही साथ में पढ़ी और एक साथ दोनों को डिग्रियां भी मिली हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी करिश्मा ने। जब भी हम कोई स्कूल या कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही बात रहती है कि आखिर कब हम अपने पुराने फ्रेंड से मिलेंगे। आज हमारे साथ दो महिला मौजूद है जो साथ में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और पूछना चाहते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना है, आखिर वो अपने फ्रेंड से वापस कैसे मिलेंगी। तो आप लोग दोनों साथ में सारी पढ़ाई किए हैं, वापस आप लोग कैसे मिले? हम लोग स्कूलिंग साथ में किए हैं और अभी साथ में मेडल मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब स्कूल के बाद अभी मिल रहे एक साथ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे कैसे आप लोग मिलेंगे? होता है ना, जब उच्च शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं तो हम लोग अलग अलग देश चले जाते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए कुछ अलग राज्य चले जाते हैं। आप लोग क्या प्लानिंग किया, कैसे मिलेंगे आप लोग? अब आगे का तो कुछ वैसा सोचे नहीं है कि कैसे मिलेंगे, जैसे अभी मिल गए को इंसिडेंटली वैसे ही हो सके फिर मिल जाएंगे, कोई वैसा बड़ा बात नहीं है। आपका क्या प्लानिंग है आगे का? आगे का प्लानिंग क्या है, कुछ भी, जहाँ भी काम मिले जरूर कॉल करके तो एक बार पूछेंगे कि जब समय मिले तो हम एक बार जरूर मिलेंगे, यही कहना होगा। कितना मिस करिएगा अपने फ्रेंड को? आप लोग स्कूलिंग एक साथ किए हैं, कितना मिस कीजिएगा? बहुत मिस करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज और फिर मेडल लेना ये तो सबसे बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है आपको? इनकी अच्छी आदत ये है कि कभी पूछी ही नहीं है कि अब मतलब जो भी सारी आदत आपको अच्छी लगती है। हाँ, आपको उनकी क्या आदत? ये मतलब फ्रैंक बोल लेती है, आराम से कुछ भी पूछो सब कुछ अच्छे से बताती है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे फ्रेंड कुछ कुछ हाइड करते हैं, नहीं ये नहीं बताएंगे हम ऐसे कर रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं करते, हर कुछ बताएं। बॉन्डिंग आपके कॉलेज लाइफ के बाद भी होगा क्या? आप छोटे छोटे बात इनको बताइएगा, ये छोटे छोटे बात आपको बताएंगे? हाँ, जरूर, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ, कुछ चेंजेस मान लीजिए आपके कोई वहाँ नए फ्रेंड्स बन जाते हैं तो कैसे मैनेज कीजिएगा? नए फ्रेंड्स बनने का मतलब ये नहीं कि हम पुराने फ्रेंड्स को भूल जाए, उसे भी साथ साथ में रखेंगे, तो मतलब इन्हें नहीं भूलिएगा? नहीं। आप? हम भी। तो आप देख सकते हैं कि स्कूलिंग साथ में किए हैं, साथ ही साथ इन्हें गोल्ड मेडल भी साथ में मिले। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नए फ्रेंड मिलते हैं तो वे पुराने फ्रेंड को नहीं भूलेंगे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों का बॉन्डिंग अभी है, कॉलेज लाइफ के बाद भी इनका बॉन्डिंग बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइसस्कोप, रांची।